सीधे लिए चलते हैं आपके विजय चौहान के पास में। विजय चौहान, सबसे पहले तो आप ये बताइए, चूरू विधानसभा में कितनी सीटें हैं वहां पर और क्या मौके की स्थिति है ये बताएं। मैं बताना चाहूंगा, चूरू में 6 विधानसभा सीटें थी, जिसमें से एक भाजपा ने जीती है, एक बहुजन समाज पार्टी ने और सभी कांग्रेस ने यहाँ जीत दर्ज की है। तारानगर से यहाँ जो हॉट सीट मानी जा रही थी, जो तारानगर विधानसभा क्षेत्र है, वहां से नरेंद्र बुडानिया ने 9,727 वोट से राजेंद्र राठौड़, जो पिछले 7 साल से लगातार 7 बार से लगातार जीत दर्ज करते आ रहे हैं, वो उनको हराया है। तो ये काफी हॉट सीट थी और ये जीत भी काफी बड़ी मानी जा रही है नरेंद्र जी बुडानिया की। और चूरू से जरूर भाजपा जीती है। चूरू से पहले जो जो सीट थी चूरू की, उसमें राजेंद्र राठौड़ खड़े हुए थे, वो उन्होंने अपनी सीट बदल कर तारानगर गए और तारानगर में हारे। और चूरू जो सीट थी वो भाजपा के प्रत्याशी हलाल सारण ने यहाँ से 6,740 वोटों से जी जीत दर्ज की है। इन्होंने रफीक मंडेलिया है कांग्रेस के, उनको हराया है। रतनगढ़ में विधान जो रतनगढ़ पिछले पिछले टाइम जो रतनगढ़ थी वो अभिनेश महर्षि थे भाजपा के, जी उन्होंने दर्ज की थी। जो अब उन्हें पूसाराम गोदारा ने, कांग्रेस के पूसाराम गोदारा ने लगभग 29,660 वोटों से हराकर जीत दर्ज की है। जी जो विजय, कांग्रेस के हैं, यही हालात सुजानगढ़ के हैं। यहाँ भी कांग्रेस प्रत्याशी है मनोज मेघवाल, जो जो बेटे हैं इनके, मास्टर भवनलाल मेघवाल के बेटे हैं, जो, जो स्वर्गीय इनकी जगह उन्होंने उप चुनाव में जीत दर्ज की थी। अब उन्होंने जो संतोष मेघवाल है उसको 2,178 जी वोटों से हराया है, जी विजय, लेकिन बताया जा रहा है कि जो संतोष मेघवाल है ये रीकाउंटिंग की उन्होंने अप्लीकेशन दी है, विजय मेरा एक उसको कब सवाल तक था अमल आपसे, होता है मैं वो आपसे एक देखने की सवाल बात लेना है। चाहता हूँ जी जी। बस छोटा जी सा, जी चलिए वक्त की कमी हो चुकी है इसलिए हम आपसे दोबारा सवाल लेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।